हेलो फ्रेंड्स, ओम साई राम। आज मैं आपको बहुत फ़ायदे की चीज़ बताने वाली हूँ, अदरक से हलवा बनाना। एक बार और बता चुकी हूँ, वो दूसरी विधि से था, और ये इस बार जो बता रही हूँ ये दूसरी विधि से है। तो आप किसी भी तरह से बना के अगर खाएंगी तो सर्दी जुकाम खांसी सब में आपको बहुत फ़ायदा करेगा। ऐसे भी आप खा के देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है ये हलवा। तो इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ चाहिए? सबसे पहले तो हमें अदरक चाहिए, अदरक से ही क्योंकि हमें बनाना है। गुड़ चाहिए, काला नमक, काली मिर्च, सौंफ और अजवाइन, थोड़ा सा देसी घी चाहिए। तो हमने यहाँ पे 250 ग्राम अदरक लिया हुआ है, इसको खूब अच्छे से धो के साफ कर लिया है, ऐसे आप भी कर लीजिए। और यहाँ पे 250 ग्राम गुड़ है, 1 चम्मच काला नमक है, 1 चम्मच काली मिर्च, थोड़ा सा सौंफ और थोड़ी अजवाइन। इन सभी चीज़ों को अभी हमें इसमें डाल के बनाना है। तो सबसे पहले इस अदरक को हमें गैस पे भून लेना है। ऐसे भूनना है जैसे कि हम लोग बैंगन का भरता बनाने के लिए बैंगन को भूनते हैं, या और किसी भी चीज़ों को भूनते हैं। चलिए फिर हम लोग इस अदरक को भून लेते हैं। इसको भूनने के लिए हमें, अदरक को भूनने के लिए जाली की जरूरत पड़ेगी। सो हमने ये जाली ले ली है और गैस पे चढ़ा दिया है, ऐसे रख के भून लेंगे सारे अदरक अच्छे से। भून लेती हूँ अदरक। देखिए ऐसे सारे अदरक को भून लेंगे। खूब अच्छे से देखिए आगे पीछे दोनों तरफ से, देखो अच्छे से अदरक ये भून गया। अब इसको हम लोग पानी में धोकर छीन लेंगे। पानी में डाल के इसको अच्छे से, जो काला काला है ये सारा छुड़ा के फिर इसको हम लोग छील लेंगे। देखिए इसको छील के अच्छे से धो लिया है, सारा छिलका जो जला वाला था सब हटा देंगे। इसका इसके छोटे छोटे टुकड़े करके ग्राइंड कर लेंगे। पीस लिया है इसको, देखिए बारीक सा। गैस पे पैन चढ़ा दिया। अब हम लोग इसमें ये डाल देंगे अदरक जो भी पीसा है। अदरक डालने के बाद गुड़ डाल देंगे। इसको धीमी आंच पे गुड़ के गलने तक भून लेंगे। धीमी आंच पे करेंगे नहीं तो जलने लगेगा। भून लेती हूँ। सारा गुड़ पिघल गया। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने लिए हैं मसाले, अजवाइन, सौंफ। आप चाहें तो इसको पीस कर भी डालें तो और, ये देखिए, और अब डालेंगे काला नमक। काली मिर्च, चारों चीजें हमने डाल दिया। थोड़ा सा घी डालेंगे। इसको अच्छे से पका लेंगे 5 मिनट। सूखा कर लेंगे। आप चाहें तो इसकी गोली भी बना के रख सकती हैं, खूब सूखा करके
जब ठंडा हो जाए तो छोटी छोटी गोली बना के रख लें डब्बे में और उसको भी खाएं, और नहीं तो ऐसे हलवा जैसा ही रखें, ये भी फायदा करेगा। किसी भी तरह से आप बना सकती हैं, चाहे आप इसको सूखा करके गोली बना लें और चाहे ऐसे सूखा करके हलवा जैसे रख लें डिब्बे में। तो खांसी जुकाम में तो फायदा ही करेगा, और बिना खांसी जुकाम के भी आप इसको खाएं, फायदे की ही चीज है। दोस्तों, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब अगर ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को देखें, लाइक कर दें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में, फैमिली में, सब में शेयर करें। देखिए, प्यारा सा हलवा बन गया, और ये खाएं आप। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।